हेलो नमस्ते, आज का टॉपिक है फेमिलोन 21 टेबलेट। यह टेबलेट एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल है। इसके हम जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, फेमिलोन टेबलेट क्या है इसके बारे में जानेंगे, फेमिलोन टेबलेट का उपयोग या इसके ड्रग कॉम्बिनेशन या इंग्रेडिएंट क्या है इसके बारे में जानेंगे, फेमिलोन टेबलेट को किन व्यक्ति को लेना चाहिए और किन व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए इसके बारे में जानेंगे, फेमिलोन टेबलेट को खाने का तरीका क्या है इसके बारे में जानेंगे, फेमिलोन टेबलेट के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। आपने पहली बार चैनल विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फेमिलोन टेबलेट क्या है। फेमिलोन टेबलेट एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। यह मेडिसिन एक प्रेगनेंसी को अवॉइड या प्रेगनेंसी को होने को रोकती है या प्रेगनेंसी को अवॉइड करती है। इस मेडिसिन को लेने के बाद आपके बॉडी शुक्राणु अंडाणु को मिलने नहीं देती, इसी कारण आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। फेमिलोन टेबलेट ड्रग कॉम्बिनेशन या इंग्रेडिएंट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है डिजोगेस्ट्रिल 0.15 mg, सेकेंड इथेलिन 0.02 mg प्रेजेंट रहता है फेमिलोन टेबलेट के अंदर। इसी कारण आपको कई प्रकार के आपके बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं या इस मेडिसिन से कई प्रकार के बेनिफिट देखने को मिलते हैं। फेमिलोन टेबलेट का उपयोग कब किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। इस मेडिसिन का उपयोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को रोकने के लिए या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, या आपको बहुत अधिक एमसी पीरियड आने के टाइम आपको बहुत अधिक हाई ब्लडिंग होता है और आपको बहुत अधिक दर्द होता है पेट में जब इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, या वेजाइना में कोई गांठ है जब भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, या COPD की प्रॉब्लम है जब भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। फेमिलोन टेबलेट को किन व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले लीवर प्रॉब्लम वाले व्यक्ति इस मेडिसिन को न लें, सेकेंड किडनी प्रॉब्लम वाले भी न लें, या हार्ट प्रॉब्लम वाले भी इस मेडिसिन को न लें, और जिन महिलाओं का हाई ब्लड प्रेशर होता है वो भी इस मेडिसिन को न लें, या जिनकी प्रेगनेंसी हो चुकी है वो भी इस मेडिसिन को न लें, और जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो वो भी इस मेडिसिन को न लें, और जिन व्यक्तियों को बहुत अधिक हाई सीवियर डिजीज है जैसे कि कैंसर, TB, HIV इस टाइप की सीवियर डिजीज हो वो भी महिला इस मेडिसिन को न लें। इस मेडिसिन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ महिला कर सकते हैं। कम से कम इस मेडिसिन का उपयोग 20 साल के ऊपर की महिला इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। फेमिलोन टेबलेट को लेने के बाद किस टाइप के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस मेडिसिन को लेने के बाद वोमिटिंग, नोजिया, पेट में दर्द या पेट से जुड़ी समस्या, या हाई आपके बॉडी का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, या आपके ब्रेस्ट में कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिलेंगे, या जैसे कि आपके ब्रेस्ट में दर्द होगा, रेडनेस देखने को मिलेंगे, या डार्क साइड देखने को मिलेंगे, या आपका सिर दर्द बेचैनी जैसा महसूस होगा। और इस मेडिसिन का सबसे गंभीर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है जिसका आपकी प्रेगनेंसी कभी भी नॉर्मल नहीं होगी, हमेशा आपकी प्रेगनेंसी सीवियर या सीजर से ही होगी। इसका सबसे गंभीर नुकसान है इस मेडिसिन को लेने के कारण। फेमिलोन टेबलेट को खाने का क्या तरीका है इसके बारे में जानते हैं। इस मेडिसिन को जिस दिन आपको एमसी पीरियड आए उसी दिन से स्टार्ट करना चाहिए, उसी दिन से कंटिन्यू 21 डे तक के कंटिन्यू इस मेडिसिन को लेना है, और इस मेडिसिन को सिर्फ ही सिर्फ सेम टाइम पे लेना है। जैसे कि आप इस मेडिसिन को 10 बजे ले रहे हो तो हमेशा इस मेडिसिन को सुबह 10 बजे ही लिए, या इसे आप शाम को खाना खाने के बाद 8 बजे खाना खाने के बाद ले रहे हो तो हमेशा इसे खाना खाने के बाद 8 बजे ही ले, क्योंकि इस मेडिसिन को सिर्फ और सिर्फ सेम टाइम पे और हर दिन लेना होता है, क्योंकि इस मेडिसिन को डेली यूज़ वाली मेडिसिन है इसलिए हमेशा इसे सेम टाइम डेली यूज़ की जाती है 21 डे तक के। फेमिलोन टेबलेट की संपूर्ण जानकारी हो चुकी है। कभी भी इस मेडिसिन को अपने सलाह से या किसी और की सलाह से इस मेडिसिन को न लें, हमेशा इस मेडिसिन को अपनी डॉक्टर की सलाह से लें या उनकी निगरानी में लें, क्योंकि इस मेडिसिन से बहुत गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में फेमिलोन टेबलेट की यूज़ करने का सलाह नहीं देते, क्योंकि इस मेडिसिन बहुत अधिक गंभीर प्रॉब्लम देखने को मिलती है फ्यूचर में, इसलिए इस मेडिसिन को लेने की सलाह नहीं देते। ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माई फ्रेंड।